सो हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया है कि हम लोगों को इस चैप्टर में करना क्या है। लेक्चर प्लान आप लोग देख चुके हो, अब उससे आगे बढ़ते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं इस चैप्टर के। तो बेटा लेक्चर नंबर वन है हमारा इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ द हेलोजन कंपाउंड्स। तो शुरू करने से पहले बेटा एक बार ना वर्ड देखें जरा यहाँ पे, हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरिनेस, क्या मतलब है इन चीजों का, ये वर्ड कहां से आए, क्या कहां से इसका मतलब क्या बनता है। तो बेटा हेलो वर्ड बिलोंग करता है हमें हेलोजन्स के लिए, और एल्केन वर्ड जो है वो है बेटा आर्जिन। हेलोजन थे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, बेटा उसके साथ जब ये आर चेन जुड़ जाएगी साथ में आरएक्स, अभी जो आरएक्स चेन है That means, R बेटा कितने भी कार्बन हो सकते थे पीछे, X उसके साथ हेलोजन, that makes haloalkanes। यहां आओ, हेलो वर्ड फिर से क्या है, हेलोजन्स, एरीन माने एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक माने यार बेंजीन वाले है ना, तो वो बेंजीन वाले कंपाउंड हेलोजन के साथ जब जुड़ेंगे that makes it aryl X। तो एरोमेटिक एक्स एल्केन एक्स दैट इज हेलोएल्केन्स और हेलोएरिनेस। ये तो है बहुत जनरल नाम इसके, बहुत ही जनरल नाम। जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनमें और कितनी कैटेगरीज पॉसिबल है, ठीक है। तो आ जाओ फिलहाल शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में पहला पार्ट है बेटा अकॉर्डिंग टू The number of halogen atoms, कितने halogen atom है उस accordingly क्या हो सकते हैं। तो इसमें दो parts पढ़ेंगे बेटा। पहला part बेटा अगर carbon के साथ मैंने सिर्फ एक ही halogen लगाया है, सिर्फ एक halogen, पीछे कुछ भी हो सकता था, ठीक है, पीछे कुछ भी carbon chain हो सकती थी, ऊपर भी carbon chain हो सकती थी, लेकिन halogen एक ही है तो उसे हम लोग कहने वाले हैं मोनोहेलाइड। क्या कहने वाले हैं? मोनोहेलाइड। अगर ऐसे ही बेटा दो हेलोजन जुड़ गए, सिंपली कॉल्ड डायहेलाइड। तीन जुड़ जाएंगे ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, फिर बेटा जब ऐसे कहानी और आगे बढ़ती है तो वो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको जो पढ़ना है, पहली कैटेगरी मोनोहैलाइड हो सकते हैं, डायहैलाइड हो सकते हैं, ट्राईहैलाइड हो सकते हैं, टेट्राहैलाइड हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ये कहानी चल सकती है। अभी मैंने आपको यहां पे अभी ये बोला कि यहां ना दो पॉइंट होते हैं। दूसरा हिस्सा बेटा कुछ ऐसा है कि कभी कभार कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, हमें क्लासिफिकेशन में कभी कभार ये पूछा जाता है कि जो एल्काइल हैलाइड यानी कि जो आप आरएक्स जो आपके पास है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हमें बेटा क्लासिफाई करना पड़ता है, वो 3 डिग्री है, वो 2 डिग्री है, वो 1 डिग्री है। तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर आपको ये जज करना पड़ता है कि एक्स के साथ वाला कार्बन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कैसा है। तो वो जज कैसे करना है, उसके लिए कार्बन हेलोजन के साथ वाला कार्बन अगर ये डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ 3 नहीं, ऊपर कितनी भी बड़ी चेन हो सकती थी, इधर कितनी भी बड़ी चेन हो सकती थी, नीचे कितनी भी बड़ी चेन हो सकती थी, तो अगर डायरेक्टली ये 3 से जुड़ा हुआ है तो दिस कैन बी कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन, दिस इज 3 डिग्री कार्बन। ऐसी बेटा अगर ये सिर्फ डायरेक्टली 2 से जुड़ा होगा, इधर हाइड्रोजन हो सकता है, सपोज ये हेलोजन है, डायरेक्टली बेटा 2 से जुड़ा हुआ है तो दिस इज सिंपली कॉल्ड योर 2 डिग्री कार्बन। ऐसी 1 डिग्री सिर्फ 1 से जुड़ा हुआ डायरेक्टली 1 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स को सिर्फ इतना पढ़ना है, आपको दो बातें चर्च करनी होती है कि मोनोहैलाइड, डायहैलाइड, ट्राईहैलाइड क्या होते हैं, 3 डिग्री कार्बन कैसा है जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री वाले कैसे हैं, 1 डिग्री वाले कैसे हैं, इसमें इतना ही है, ठीक है। सेकेंड, CX कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है लेकिन ये वाला कार्बन जो है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा।
अब स्टूडेंट की प्रॉब्लम अगर वैसे बेटा होनी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल अगर ऐसा है, अगर आपको sp3 याद नहीं है थोड़ा सा, तो टेंशन नहीं लेनी। केमिस्ट्री की भाषा में प्रॉपर बोला जाए तो बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। नॉर्मल भाषा में सोचना है तो यार 4 सिंगल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन इज सिंपली कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। तो 4 बॉन्ड सिंगल बनाने वाला है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ऐसे कितने पॉसिबल होंगे कैटेगरीज देखते हैं। 3 सब कैटेगरीज है बेटा इसकी। पहली कैटेगरी इसके अंदर होती है एल्काइल हैलाइड। ये वो वर्ड है बेटा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है यहां पे, एल्काइल हैलाइड। अगर आपने कितनी भी बड़ी कार्बन चेन ली, कार्बन ने नॉर्मल 4 बॉन्ड बना रखे हैं, पीछे कितने भी कार्बन अटैच हो सकते थे, नॉर्मल चेक क्या करना है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो डेफिनेटली कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। तो कार्बन चेन इज कॉल्ड एल्काइल, दिस इज हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा वर्ड यूज होने वाला है इस चैप्टर में, एल्काइल हैलाइड। मतलब पीछे कार्बन चेन है, साथ में एक्स जुड़ा हुआ है, हैलोजन। ऐसे बेटा एक है एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, कार्बन फिर से हेलोजन, इसने फिर से बेटा 4 बॉन्ड बनाने, क्योंकि कैटेगरी कौन सी पड़ रहा है sp3, तो कार्बन नॉर्मल बनाएगा 4 बॉन्ड ही। इस बार डिफरेंट क्या है कि इस कार्बन से अगले वाला जो कार्बन है ये बेटा डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। हेलोजन के साथ वाले कार्बन ने तो 4 सिंगल बॉन्ड ही बनाए हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बिल्कुल, लेकिन उसके साथ वाले ने डबल बॉन्ड बनाया है। दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इस कैटेगरी में फॉल करने वाले कंपाउंड को क्या कहना है हमने, एलाइलिक हैलाइड। तीसरी होती है बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, बहुत इजी है लर्न करना। कार्बन एक लगाना है साथ में हेलोजन, एक लगा देनी नीचे बेंजीन रिंग, 2 नॉर्मल हाइड्रोजन लगा दो। कैसे, कार्बन इधर हेलोजन, नीचे बेंजीन रिंग, ऊपर यहां पे नॉर्मल 4 बॉन्ड पूरे करने, 2 हाइड्रोजन। फिर से चेक करो, हेलोजन के साथ वाला कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कैटेगरी को जिसमें हेलोजन इस साथ वाले कार्बन के पास बेंजीन पड़ा होता है, दैट कैटेगरी इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। अब अगर आपको स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम देने हैं, जैसे बेटा अगर एक्स की जगह क्लोरीन आ गया, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, बेंजाइलिक फ्लोराइड, कोई भी लग जाए आकर। और अगर स्टूडेंट सोच रहा है मेरे कैसे हेल्प होने वाली है, इनको पढ़ के मेरा क्या फायदा होने वाला है, मैं क्या सीखूंगा इससे, मुझे कहां यूज होने वाला है, तो बेटा आगे कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। अब अगर कन्वर्जन्स में आपको टीचर कहता है कि बेटा बेंजाइलिक क्लोराइड से बेंजाइलिक एल्कोहल बनाना है, तो बेंजाइलिक क्लोराइड का स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तो कैसे बनाओगे, तो बेंजाइलिक क्लोराइड लगा दो, सीएल लगा दो यहां पे, ठीक है। तो यहां तक स्ट्रक्चर बस याद करना है क्लासिफाई करते हुए, तो बेंजाइलिक हैलाइड ऐसे होते, ठीक है। अब आती है तीसरी कहानी, लास्ट है इसकी। कार्बन जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज हुआ तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है। पहला है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक ना कई बार बच्चे एलाइलिक के साथ कंफ्यूज करते हैं, कैसे देखना कार्बन के साथ है हेलोजन, बेटा पिछली बार क्या था कि इस कार्बन के साथ वाला डबली बॉन्डेड था, यहां पर इसी ने डबल बॉन्ड बनाना है, इसी कार्बन ने जो हेलोजन के साथ है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं sp2 कैटेगरी। sp2 कैटेगरी में क्या हुआ करता था, कार्बन बनाएगा 3 सिग्मा, 3 सिंगल, जिसमें से एक डबल होगा तो 4 पूरे करेगा। तो कार्बन ने क्या किया बेटा, ऊपर हाइड्रोजन हो सकता है सिंगल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता था,
कार्बन में बेटा एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन सिग्मा, इसमें से एक सिग्मा होता है ना, तो एक पाई। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी फिलहाल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में विनाइलिक हैलाइड्स ही होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूं, हेलोजन के साथ वाला कार्बन अगर डबली बॉन्डेड है तो कौन सी कैटेगरी है भाई, विनाइलिक। अगर उसके साथ वाले कार्बन के भी साथ वाला डबली बॉन्डेड है, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक। हेलोजन के बिल्कुल साथ वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है, दैट इज सिंपली कॉल्ड विनाइलिक। अब ऐसे ही हमारे पास आता है लास्ट बेटा, एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड में क्या है, हेलोजन सीधा बेटा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। पहले हेलोजन कार्बन से जुड़ता है, कार्बन बेंजीन से, यहां पे सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अच्छा एक बार देख लें sp2 कैसे, भाई हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको देखो कैसा है, वो एक सिंगल, दो सिंगल, तीन सिंगल बॉन्ड, और बेटा दिख रहा है अगर तुम्हें तो एक डबल है। तो ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो जब भी कोई हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो उसे आप लोग इस कैटेगरी में डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। यहां तक बेटा हमारी ना तीन बेसिक कैटेगरीज खत्म होती है, नंबर ऑफ हेलोजन के अकॉर्डिंगली, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अकॉर्डिंगली, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अकॉर्डिंगली, sp3 के और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अकॉर्डिंगली। अब इसमें कुछ और वर्ड्स भी हैं जो आप लोगों को मैं आगे अगले लेक्चर के बीच में डालूंगा उसको, जेम हैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनको हम आगे कवर कर लेंगे बीच में। बेसिक तीन कैटेगरीज के अंदर वो फॉल नहीं करते, थोड़ा सा इससे अलग है, जेम हैलाइड्स और विसिनल डाइहैलाइड्स, उनको बीच में अगले टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे इसके साथ, ठीक है भाई। तो आपने जितने भी तरह के हैलाइड्स पढ़ने हैं वो बेसिक ये हैं, थोड़े थोड़े वर्ड्स आगे आगे नए नए बीच बीच में आते रहते हैं, उनको वहीं उनके साथ ही डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है भाई। बाकी लेक्चर 2 शुरू करेंगे इसके बाद, जिसमें हम लोग अब इस के नॉर्मल क्लेचर को शुरू करेंगे, IUPAC नेमिंग देखेंगे कि इनके क्या क्या कॉमन नेम हो सकते हैं, क्या IUPAC नेमिंग हो सकती है, उसको अब लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।